वेलकम बीपीएससी एग्जामिनी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी फ्यू टिप्स परीक्षा हॉल की रणनीति। आप परीक्षा कक्ष में अपनी सीट पर बैठ गए हैं। वो इन द एग्जाम हॉल एट योर रेस्पेक्टिव सीट। योर एग्जाम इज जस्ट टू बिगिन। एज द सक्सेस स्ट्रेटजी few tips are there for you that would definitely ensure a success. Number one, pray to God. Hirdaya se ishwar ko apni safalta hetu yaad karo. Number two, read the instructions in the admit card, question booklet, and OMR sheet. दिए गए निर्देशों को पढ़े। OMR sheet में, question booklet में, if have to write the informations shared all in the question booklet series as per the instructions. जो भी instructions दिए हैं उसके अनुसार आपको OMR sheet में roll number question booklet series निकला है। जैसे question booklet series आप पे A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, तो जो भी question booklet series होगा वही आप OMR sheet पे लिखें। अगर क्वेश्चन बुक सीरीज आपके ए है, आपने बी लिख दिया, देन द कंप्यूटर वुड नॉट रिकॉग्नाइज योर रिस्पॉन्स और द OMR sheet, सो द रिजल्ट इज अ जीरो। सो टू माई माइंड यू स्पेंड 10 years गेटिंग योर सेल्फ बैलेंस्ड प्लेइंग इन द हार्ट एंड पुटिंग द राइट इंफॉर्मेशंस right way as the instructions in OMR sheet. आप 10 मिनट इसमें दें। 3, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन बुकलेट आपके पास है, आप देख रहे हो 150 क्वेश्चन, 2 घंटा यानी 120 मिनट। जैसे वो 120 मिनट 150 क्वेश्चन के होते नहीं हैं, वो कम ही आपको समय मिलता है। 10 मिनट शुरू के आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, OMR sheet में रिस्पॉन्स देने के लिए आप रखें। आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना बंद कर दें परीक्षा समाप्त होने के 5 मिनट पहले, और फिर जब परीक्षा आपकी चलती होगी उस दौरान इन्वेटर्स विल कम टू यू एंड देयर यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशंस इन द अटेंडेंस शीट दैट मस्ट नीड 5 years। इस तरीके से आपका 10 - 10 -5 - 5 - 20 120 मिनट में 20 मिनट घट गए, आपके पास 100 मिनट बचे। 150 questions 100 मिनट। इट मीन्स you have to follow 2x3 strategy. 2x3 strategy means ...150 questions 100 minutes. एक क्वेश्चन में आपको 0.66 मिनट मिल रहा और साथ में नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन है, उसमें मैथ सेक्शन भी है। मैथ सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे
उसको करने में आपको अधिक समय लगेगा। इसलिए आपको कंसंट्रेशन विश्वास बनाते हुए आपको एक क्वेश्चन में 0.66 मिनट से भी कम समय लेंगे, क्योंकि मैथ सेक्शन के 10 क्वेश्चन में आपको अधिक समय देना हो। चौथी बात ये कि 150 क्वेश्चन को आप 6 सेक्शन में बांट लें, 1 to 25, 25 to 50 एंड दिस पे अब आंसर आप कैसे करेंगे। पहला तो ये है कि जो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, आपको राइट फ्रॉम 1 to 150 एक क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक जाना है। उसके रिस्पॉन्स का तरीका ये होगा कि 4 ऑप्शन में यही होगा, वंस यू सी द अल्टरनेटिव्स, जैसे ही आप विकल्प को देखते हैं आप श्योर हो जाते हैं कि यही होगा। इस तरीके से 1 से 25 तक जाएं, उसमें देख ले कि यही होगा, यू आर श्योर विथ वन ऑप्शन। ऐसे जो रिस्पॉन्स होंगे उसको ओमरशिप पे सर्किल होगा, कोई और ज्योमेट्रिकल शेप होगा, स्क्वायर हो सकता है, वहाँ पे आप एक मार के दे दें और फिर 1 से 25 तक चले जाएं। और जब 1 से 25 तक चले जाते हैं फिर आप ओमरशिप को अच्छे ढंग से जो भी इंस्ट्रक्शन से उसके अनुसार आप डार्क इन कर लें भर दें, फिर 25 से 50 तक जाए, इस तरीके से 150 तक पहुँच जाए, फिर कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आपका सेकेंड अटैम्प्ट होगा वो ये होगा कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स में 2 आप एलिमिनेट कर लेते हैं कि होगा ही नहीं, बचा 2 में आपको डाउट है, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यू हैव टू अप्लाई इंटेलिजेंस गेस, वहाँ पर आपको इंटेलिजेंस गेस करना होगा और 1 से 25 तक फिर चले जाएं, 2 में से 1 को आप इंटेलिजेंटली चुन लें और फिर इसी क्रम में 150 तक पहुंच जाए। और फिर 1 से 25 तक करने के बाद फिर आप ओएमआर शीट में इंसर्किल कर ले अच्छे ढंग से एज पर द इंस्ट्रक्शंस। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, और फिर अब इस बार क्या होगा कि 4 ऑप्शंस में 1 आप जानते हैं कि नहीं होगा, तो 3 में आपको चुनना है कि 3 में कौन सा होगा। यहाँ पर क्या होगा, और अधिक इंटेलिजेंट गेस की जरूरत पड़ती है, इट शुड बी मोर इंटेलिजेंट। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक भी अपनाना पड़ेगा। इन एडिशन टू इंटेलिजेंट गेस एंड योर एलिमिनेशन टेक्निक वुड हेल्प यू टू स्किन आउट 1 आंसर आउट ऑफ द 3। और इस तरीके से आपका 1 से 25 जाएँ और 350 तक पहुँच जाए। फिर कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देख रहे हो कि 1 से 25 के बीच में 4 ऑप्शन में कोई भी आप नहीं जानते हो, तो ऐसी स्थिति में डोंट टेक रिस्क, कोई भी आप अटेम्प्ट न लें, क्योंकि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और यदि आप अटेम्प्ट लेंगे, रैंडम काम करेंगे, डेट विल एडवर्सली इम्पैक्ट योर रिजल्ट, राइट। दिस वे आपका आंसर करने के जो तरीके हैं, इस तरीके से आप बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। बच गया मैथ सेक्शन का क्वेश्चन, उसमें मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा समय लगेगा, आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको इशूरी वेरी इंटेलिजेंट एंड रेशनल। एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर एक से लेकर 150 क्वेश्चन में या 1 से लेकर 25 क्वेश्चन में शुरू में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया, एम्बिग्यूटी में डाल दिया, तो उसको छोड़ दे, आगे बढ़ जाए, किसी एक क्वेश्चन पे नहीं फंसे रहे। और इस तरीके से आपका 5 मिनट पहले आपका अटेम्प्ट समाप्त हो जाता है। अंतिम जो 5 मिनट बचता है उसे फिर से आप देख लें कि आपने ओएमआर शीट पर ठीक ढंग से रोल नंबर्स या आपने क्वेश्चन बुकलेट से लिखा है कि लिखा है, या फिर कोई भी सर्कल जो है वो अगर हाफ ये है आपका डार्केन है तो उसको कंप्लीट आप ठीक ढंग से भर दें। और फिर 120 मिनट के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो बचते हैं उसमें वंस अगेन अपने विश्वास को मजबूती देते हुए ईश्वर विश्वास रखें एंड प्रे टू गॉड।
यही आपकी सफलता के लिए आपकी ऊर्जा होगी और आपका अच्छा प्रयास होगा। सफल आपको होना ही है, खुद में विश्वास रखें। और वंस अगेन आई विश यू द सक्सेस इन द एग्जाम, ऑल द बेस्ट।